वातावरण है और आज सुबह 7 बजे से ही पौधारोपण का कार्य शुरू हो गया है और सभी जगह पौधारोपण के लिए हमारे न केवल सरकारी हमारे डिपार्टमेंट भी लगे हुए हैं बल्कि हमारे अशासकीय संगठन, पत्रकार और सभी समाज के जितने भी लोग हैं, सभी स्कूल के, कॉलेज के सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं और ये आज नरसिंहपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आज पूरे दिन भर जो है सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार 7,000 से अधिक स्थानों पर 50 लाख पेड़ों का रोपण किया जाएगा। सर जी, लक्ष्य के अंतर्गत ध्येय बना के चला जा रहा है या पर्यावरण को मुख्य आधार बनाया जा रहा है? नहीं, इसका जो आधार है वो बेसिकली पर्यावरण है और नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में इस कार्य को हाथ में लिया गया है। नमामि देवी यात्रा जब निकली थी तब उस समय मुख्यमंत्री जी ने ये डिसाइड किया था कि 2 जुलाई को बड़ा वृक्षारोपण हम पूरे क्षेत्र में कराएंगे, तो इसलिए जहाँ जहाँ नर्मदा नदी गुजरती है उसके जलग्रहण क्षेत्र के जिलों में ये प्लांटेशन की मुहिम चलाई गई है और इसका उद्देश्य यह है कि नर्मदा नदी के साथ साथ पूरे पर्यावरण का संरक्षण इसके माध्यम से किया जाए और लोगों में ये चेतना और भावना विकसित की जाए कि वृक्षारोपण करना हमारे लिए अति आवश्यक। सर, संकट मोचन घाट आया, अभी आपने यहाँ पर जनता को उत्साह भी देखा वृक्षारोपण, कैसा लगा आप और इसको इस क्षेत्रों के रूप में डेवलप किया जा सकता है? नहीं, बहुत ही सुंदर जगह ये निकल कर सामने आई है और सबसे अच्छी बात मैं तारीफ करना चाहूँगा मदन तिवारी जी की, मीडिया के व्यक्तियों की, यहाँ की जो पूरी टीम है नकटुआ की, ग्राम पंचायत की, पूरी मंडली की, कि जो इन लोगों ने मिलके इसको संरक्षित करने का संकल्प लिया है और इसको बागड़ करके बाउंड्री करके इस प्रकार से रखा है कि पौधों की रक्षा भी आगे होती रहेगी और ये स्थल जो है आगे और सुंदर होगा। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, जो भी प्रस्ताव होगा उस पर भी हम स्वीकृति करा के कार्रवाई करेंगे।